हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी है, और हम क्या करते हैं जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं तो फिर नुकसान होने लगता है। देखिए पहले क्या होता था, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीजें होती थी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। फिर धीरे धीरे आने लगे और चैनल्स जो कि और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोज बनाने लगे, लोगों की जानकारी बढ़ने लगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब सभी लोगों को पता चल गया कि भाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो कुछ ऐसे लोग भी आए जो भ्रामक जानकारियां देने लगे। आज आप यूट्यूब खोल के देखो, उस पर लिखा रहता है बहुत जल्द आने वाली है मारुति की 9 सीटर कार, और जब आप वीडियो चलाते हो तो वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी फेक वीडियो होता है। इसी तरह का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी जो रियल में एक्सिस्ट ही नहीं करती है। तो अब यही प्रॉब्लम कई सारे लोगों के साथ इस फील्ड में भी आ रही है। जब हम लोगों ने यहां पर वर्क करना शुरू किया था, यूट्यूब पर मुश्किल से 3 या 4 चैनल थे, मुश्किल से, जो लीगल जानकारियां देते थे। इसके अलावा कोई भी चैनल ऐसा अवेलेबल नहीं था। समय के साथ साथ चैनल बढ़े, लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ी, ये बहुत अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए। और इस फील्ड में भी बाकी फील्ड की तरह बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज बनने लगे, लोगों को पता चलने लगा। लेकिन इसके साथ साथ अब यहां पर भी गड़बड़ होना चालू हो गया। देखो मारुति की 9 सीटर कार आने वाली है, यानी आने वाली, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो फेक वीडियो भी है। लेकिन कोई गलत लीगल जानकारी आप तक पहुंचती है और उससे आप कोई स्टेप ले लेते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके पूरी लाइफ पर इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये अभी बहुत हो रहा है। मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर पर लोग ऐसे ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं जिनका ना सर होता है ना पांव होता है, जिसमें कोई लॉजिकल बात नहीं होती, और जो व्यक्ति बात कर रहा है उसका भी कुछ अता पता नहीं होता है कि वो आदमी जेन्यून है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी निकल करके आया कहीं से, उसने 4 वीडियो देखे, मिला जुला करके एक वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया, उसका लीगल फील्ड से कोई संबंध भी है या नहीं ये भी नहीं पता। तो ऐसे भी हो रहा है दोस्तों। तो अगर YouTube पर वीडियो से आपको अच्छी जानकारियां मिलती हैं, उसके साथ साथ नुकसान होने का भी भय है। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो न्यू कमर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, उन्हें तो नहीं पता कौन चैनल क्या है, कौन कहां से संबंधित है, वो एज ए वीडियो ट्रीट करते हैं सारी चीजों को। और एज ए वीडियो उन्होंने देखा, उनके पास 4 अच्छे वीडियो आए, 2 बुरे वीडियो आए, उन्होंने सभी पे विश्वास कर लिया। ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, चीजों को देखो अच्छे से, क्योंकि YouTube पे जो रिलायबिलिटी है वो केवल सब्सक्राइबर से पता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर तो भैया आपने देखा होगा कि एक आदमी खेत के सामने खड़ा होकर के वीडियो बना लेता है और वो वीडियो वायरल हो जाता है और उसके 1 दिन में 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो ये रिलायबिलिटी का सोर्स नहीं हो सकता कि किसी के ज्यादा सब्सक्राइबर है तो वो बहुत बड़ा चैनल हो गया और आप उस पर विश्वास कर लें। ठीक है, तो यानी यहां जो रिलायबिलिटी है इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा आप R&D ऑलरेडी कर चुके हैं तब आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं। जो चीज आपको बताई गई, देखिए आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उस चीज को 10 सोर्सेस से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो चाहे कोई वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे मेरा ही कोई वीडियो देख रहे हैं, आप वहां से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो पहले आप उसको वेरीफाई कीजिए। क्योंकि वीडियो तो मैं अपनी समझ से बना रहा हूं, अब मेरी समझ कितनी है, मेरी समझ हो सकता है इतनी सी हो, एक्चुअल इतना हो, और मैं मिस कर जाऊं उस चीज को, और मेरे चक्कर में आप भी मिस कर जाए, क्योंकि ये जनरल वीडियोज है इन्फॉर्मेशन पर्पज से। तो अगर मैंने कोई चीज आपको बताई, आपको वो चीज अच्छी लगी, आप उसको एक बार वेरीफाई कर लो कि वो चीज एक्चुअल में एक्सिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर करती है तो फिर आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना। ये सब आज वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास ऐसे केस आए जहां पर लोगों ने कुछ भ्रामक वीडियो देखे और भ्रामक वीडियो देखने की वजह से अपने केस को बिगाड़ करके बैठ गए। तो ऐसा और किसी के साथ ना हो, इसलिए मुझे ये 3-4 मिनट का वीडियो आपके लिए लाना पड़ा। खैर, अभी इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बुक्स में लिखी हैं बट प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल हैं लेकिन बुक में नहीं लिखी हैं। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस का मैटर हो जाती हैं। अब कई बार होता है कि हमें किसी ने बोला कि सर ये काम होना है, भाई हो जाएगा, कैसे करा दोगे आप? वो हमारी हेडेक है, हम उसको कैसे कराते हैं? जरूरी नहीं है कि जो चीज हम आपको कह रहे हैं वो लॉ में लिखी हो और किसी पर्टिकुलर लॉ में ही कराऊं। हो सकता है मेरी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, हो सकता है मैं सामने वाले को कन्विंस कर सकता हूं आपका काम करा दूं, ये भी तो हो सकता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि लॉ लिखा हुआ तो जरूर है, आप अगर उस लॉ को कोर्ट में प्रेजेंट कर दो तो कोर्ट कहता है क्या आप प्रेजेंट कर रहे हो, यू आर नॉट प्रैक्टिकल। और ऐसी बहुत सारी, एक नहीं अनेकों अनेक चीजें हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो वकालत होती है केवल किताबों को पढ़ के या आर्टिकल्स को पढ़ के, देख करके, सुन करके आप लड़ नहीं सकते, ये एक्सपीरियंस का मैटर है। और एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा केस बहुत अच्छा होता है बट एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ऐसा भी देखा जाता है। आपने वीडियोज भी देखे होंगे कोर्ट्स के जो कहते हैं कि अरे भैया आप काउंसिल करो, आपको नहीं पता तो काउंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं, डांट देती है कोर्ट। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है जो आप बात कर रहे हो प्रैक्टिकल है नहीं, अब कोर्ट कब तक आपके साथ जूझता रहेगा इम्प्रैक्टिकल बातों में। कोर्ट को टू द पॉइंट चाहिए, इतना टाइम थोड़ी है, 100-100 फाइलें लगी हैं एक दिन में, आप प्रैक्टिकल बता ही नहीं पा रहे हो कुछ, आप वो बातें बता रहे हो, अपनी कथा कहानी सुना रहे हो, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ नहीं सुनना है कोर्ट को, कोर्ट को टू द पॉइंट बात सुननी है। अब कहने का मतलब है, अब वो टू द पॉइंट क्या है, आपके हिसाब से कुछ और टू द पॉइंट है लेकिन कोर्ट के हिसाब से कुछ और टू द पॉइंट है। दैट्स व्हाई कोर्ट कहता है, कई बार आपने सुना होगा वीडियोज में जो लाइव वीडियो जाते हैं कोर्ट्स के, कि आप अपना काउंसिल हायर करो। तो इसलिए वी शुड बी प्रैक्टिकल, अगर हम प्रैक्टिकल नहीं है तो हम कहीं पे भी जीत हासिल नहीं कर सकते। हमें सोचना है कि हमें प्रैक्टिकली अपने केसेस को कैसे हैंडल करना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।